रांची के खान और भूतत्व विभाग के कार्यालय के बाहर दीमक से बर्बाद कुछ सरकारी फाइलें सड़क किनारे फेंकी हुई मिली। इन फाइलों में साल 2005 के दौरान कई कंपनियों के साथ किए गए पावर और उससे संबंधित कोल ब्लॉक के एमओयू के कागजात हैं। सीबीआई कोल ब्लॉक से जुड़ी गायब फाइलें ढूंढ रही है। ऐसे में कोल ब्लॉक से जुड़ी फाइलों का सड़क किनारे मिलने के बाद अचानक से राजनीतिक और प्रशासनिक हरकत बढ़ गई है। रांची के खान और भूतत्व विभाग कार्यालय के बाहर पावर और कोल ब्लॉक के एमओयू के पेपर और फाइलें फेंकी हुई मिली। फाइलें और पेपर्स देखकर हैरानी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में इनका ये हाल कैसे हुआ। कई फाइलें दीमक में बर्बाद हो चुकी थी। दिल्ली में सीबीआई कोल ब्लॉक की गायब फाइलें ढूंढ रही है। इधर कोल ब्लॉक से जुड़े कागजात मिले, कई कंपनियों के कागजात हैं। ये कागजात 2005 के दौरान एमओयू के हैं, कई स्टाम्प पेपर भी मिले। ये फाइलें और पेपर्स कार्यालय के मेन गेट के ठीक दाहिनी ओर झाड़ियों में फेंकी गई थी। आखिर ये फाइलें क्या हैं? कोल ब्लॉक आयरन एंड स्टील लिखे फाइलों के अंदर क्या लिखा था? क्या ये जरूरी फाइलें नहीं थी? खान और भूतत्व विभाग की अपर निदेशक कुमारी अंजलि को जवाब देते नहीं बन रहा। क्या पेपर नीलामी देखना चाहेंगे? कौन सा पेपर? कुछ हम पेपर बिना गवर्नमेंट से अप्रूवल के आपको नहीं दिखा सकते। पता चला है कि कुछ कॉल विभाग से रिलेटेड कुछ आपके यहाँ फाइल पड़े हुए हैं। फाइल नहीं है। और खासकर वो पीएमओ से गायब जो कोयला के विभाग के फाइल नहीं है। आप सिर्फ जो है वो ब्रॉशर विभिन्न कंपनियों के ब्रॉशर दिखा देंगे तो तसल्ली रहेगी। सही बात। आज के बाद आज कमेटी बनी है। कमेटी द्वारा ये सारे खोला गया है। कमेटी के द्वारा सारे रिपोर्ट्स को दिखा गया है। वो कहीं सारे चीज ब्रॉशर है। किससे रिलेटेड फाइल है? मैडम ब्रॉशर भी किससे रिलेटेड? आयरन और कोल से रिलेटेड है। कोल से रिलेटेड कोल ब्लॉक का ही तो होगा। किसी विभिन्न कंपनियों का है क्या? विभिन्न कंपनी। अब तक कुछ कुछ समझ आने लगा था। विभाग का एक कर्मचारी मिला, उसने बताया कि कोल ब्लॉक के ऐसे एप्लीकेशन ऐसे बोरों में भरकर दिल्ली से आते हैं। कोल ब्लॉक का तो ऐसा देखने से लगता है कि ये एप्लीकेशन है ही, या मान लीजिए 10 साल पहले का हो या 15 साल पहले का हो। अब बड़ा जो वर्ल्ड स्तर के कंपनी सब जो मैंने अप्लाई करते हैं तो वही वाला फाइल सब है। लेकिन झारखंड में तो अप्लाई नहीं करते हैं। वो तो अप्लाई वो दिल्ली में होता है, लेकिन दिल्ली से ही जो होता है ना बोरा में पैकिंग होकर के स्टेट में आता है यहाँ। अच्छा। इसको सचिवालय में रखा जाता है। अच्छा। सचिवालय में रहता है। अभी भी सचिवालय में करीब करीब 20 ठो बक्सा है, जो कि हम जिस टाइम में सचिवालय में काम कर रहे थे डिप्टी सेक्रेटरी 3 के सेल में, उस टाइम में हम रखे थे वहाँ बक्सा में। इस कर्मचारी की बातों का जवाब लेने फिर से अपर निदेशक कुमारी अंजलि के पास समय की टीम पहुँची। इस बार भी ये कुछ नहीं बोल पाई। मैडम पूरा फाइल स्टील एंड कोल ब्लॉक से रिलेटेड लग रहा है। फाइल पूरा कोल ब्लॉक से रिलेटेड लग रहा है। कोयला डिपार्टमेंट का फाइल है मैडम, कोल इंडस्ट्रीज का फाइल है, कुछ लग रहा है मिनिस्ट्री का फाइल है। क्या करेंगे मैडम इसमें? क्या इन फाइलों और कागजों का रख रखाव ठीक नहीं था? क्या ये जरूरी फाइलें नहीं थी? इसका जवाब विभाग के पास नहीं है। कोल ब्लॉक पर राज्य के एक बड़े नेता का नाम अभी चर्चा में है। ऐसे में फाइलों को इस हाल में करके फेंक देना सवाल खड़े करता है। कोल ब्लॉक घोटाला मामले ने जहां एक और पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, तमाम तरह की एजेंसियां जांच काम में लगी हुई हैं, वहीं रांची में इस तरह से कोल ब्लॉक से जुड़ी फाइलों का इस तरह से फेंका जाना सचमुच संदेह तो पैदा करता ही है। अब देखना यह है कि इसमें राज्य सरकार आगे क्या कदम उठाती है। समय के लिए रांची में नीरज और कैमरामैन प्रणव के साथ मधुकर आनंद।